बड़ी खतरनाक है भगवान की माया। ये माया का एक काम सबसे बड़ा है, कैसे भी भगवान से दूर रखो मनुष्य को। ये माया की एक जिद है, क्यों? अगर ये माधव की शरण में चला गया तो भगवान को इसका कल्याण करना पड़ेगा, और कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरे पति को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पति ज्यादा काम करेगा तो पत्नी से दूर रहेगा। हाँ या ना, जवाब दो। अगर भगवान के पास भक्त बहुत बड़ी संख्या में हो जाएंगे तो भगवान को उन्हें समय देना पड़ेगा, तो देवी जी को कम समय मिलेगा। इसलिए माया चाहती है कि ये जीव हमेशा माया में पड़ा रहे और भगवान से दूर रहे। अच्छा, एक बात बताओ, जो लोग अभी भी कथा में नहीं आए, आज भी सेकंड डे, वो किसके चक्कर में नहीं आए? जोर से बोलो। अब क्या काम चल रहा है यहां पे? नहीं नहीं, गांव में किसानी का क्या काम चल रहा है? एकदम फ्री है ना, अब तो आके बैठ जाना चाहिए ना। तो क्या तुम्हारे गांव के सब लोग आ गए? एक बार प्रश्न अपने आप से करो, क्या गांव के सारे लोग आ गए? चुनाए ऐसी कौन सी बिजुरी पड़ गई जो वो आ ना सकते? किसके लिए मना है? लेकिन वो नहीं आए, क्यों? माया ने उनको रोक दिया। चाहे किसी के घर में कहीं जाना पड़े, कोई बीमार पड़ गया, या कोई बेटा कोई काम से जा रहा है, या कोई 10 और काम लग गए, ये सब क्या है? कोई रिश्तेदार हमारे यहां आ गया, हमें कहीं जाना पड़ जाए, ये क्या है? ये माया है। और माया क्या करती है? माया जीव को भगवान से दूर, अरे फ्री बैठे हैं फिर भी भजन नहीं करते, फ्री बैठे तो भी भगवान के यहां नहीं जाएंगे, पड़े हैं खाट तोड़ रहे हैं, बिस्तर तोड़ रहे हैं, फिर भी अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे। ये है माया, और ये माया भगवान के पास नहीं आने देती। कबीरदास बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रो। जिस समय मानव का जन्म होता है, संसार वाले ढोल बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जिसका जन्म होता है वो रोता है, वो रो रहा है, वो कह रहा है प्रभु मुझे कहां भेज दिया, कौन से नरक में भेज दिया, जिस नरक से आया हूं उससे भी खतरनाक नरक में तो आपने मुझे भेज दिया है, कहां आ गया मैं, यहां से कैसे निकलूंगा। इसलिए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, ऐसा कार्य करो जिसके कारण हमें रोना ना पड़े। बोलो राधे राधे।